ठाकुर कॉलेज में एमसीए डिपार्टमेंट में, यहाँ मुंबई में कार्यरत हूँ 2008 से, और मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज है। मेरे दो सन हैं और हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ जो है वो ब्रदर इन लॉ के साथ रहती हैं भोपाल में, हस्बैंड ग्वालियर को बिलोंग करते हैं। और अभी कुछ वेकेशन में हम लोग ने 3 दिन अपने गाँव में भी बिताए, और बच्चों ने काफी लार्जर फैमिली, इसमें 20-25 मेंबर्स हैं, उनके साथ काफी अच्छे से कनेक्ट किया, देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं यूएचवी की जो 5 डेज का जो वर्कशॉप है वो मैंने 2020 में मई में किया था, और तब से ही मुझे पहले वर्कशॉप से ही ऐसे कुछ बहुत प्रपोजल समझ में आ गए हो, ऐसे नहीं, मेरे कुछ अच्छी बात कही जा रही है और समझने का प्रयास करना होगा, ऐसे ध्यान में आया था मुझे, और तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। और 2021 जनवरी से सुबह के सत्रों से जुड़ी हुई हूँ, और 2020 जुलाई अगस्त से मैंने विभिन्न जो हमारे कार्यक्रम है उनमें वॉलेंटियर करना भी शुरू किया, और तब से मैं लगातार वॉलेंटियरिंग का कुछ काम के तहत इस प्रस्तावों से जुड़ी रहती हूँ। मेरा मेरे परिवार से भी मुझे काफी सहयोग इस तरफ मिल रहा है, बच्चों की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से भी। मेरा छोटा सन 3 दिन के वर्कशॉप में मेरे साथ चला और अटेंड किया उसने सिंसियरली, वो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि वो भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो जो कुछ भी समझ बन पाई है, बहुत लंबा सफर तो है, बहुत लंबा सफर तय करना है, मगर जितना समझ पा रही उतना रखने का प्रयास करूंगी। निरंतर सुख पूर्वक जीना जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा लक्ष्य है, तो मुझमें सही समझ हो पाए इसके तरफ काम करना है। ये बात बड़ी मेरे को लगता है कि काफी बात है, जो कि बहुत समझ में नहीं आ रही उस तरफ चलने का, मगर ये लगता है कि निष्ठा तो बन रही है। सुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, जब जब भी सही भाव सुनिश्चित नहीं होता है वही दुख है। ये बात तो ठीक लग रही है बिल्कुल, इतने दिन एक्सप्लोर करते हुए मैं ही ये सब अपने आप में चलाती रहती हूँ, उसका मायने उसके द्वारा मतलब तुम उसका मीनिंग मैं ही देती हूँ उस चीज, और ये दुख इसके लिए है, और कोई और व्यक्ति कोई और परिस्थिति इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये बात मुझे काफी प्रोफाउंड लगती है, अपने आप में मैं एक्सप्लोर करती हूँ दिन पर, और ये ऐसी चीज है कि हम चलते फिरते जीवन में जैसे कि कार्य कर रहे हैं और ये अंदर तो चल ही रहा है, तो कांस्टेंट एक इसको इस पर ध्यान जा सकता है। तो कई बार कई सारी सिचुएशन होती है तो देखने के लिए रुकती, जैसे कोई फोन आया, क्यों आया फोन, मैंने कुछ काम करके दिया है तो फोन आया, तो पहले से ही दिमाग में चलाते रहना कि जरूर कुछ गलतियां निकालने के लिए किया होगा, कुछ करेक्शन करने के लिए किया होगा, या बढ़ा कुछ ये सही नहीं हुआ इसको और ढंग से करूं, और यूं ही, और फिर लगता है कि साइड में रखो जरा कॉल पे बात कर ली जाए, फिर देखा कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो मतलब मैंने ही मतलब बनाया था, मैंने ही उस बात का मतलब बनाया, वो दुख मैंने ही क्रिएट किया अपने लिए। मेरी जो आवश्यकता है निरंतर सुखी होने की, जो कि मेरी क्रियाओं से ही पूरी होगी, जब मुझ में समझ होगी है ना, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो समझ के लिए मुझे काम करना है, तो जब मैं समझ के लिए ऊपर काम करूंगी, धीरे धीरे मैं देखूंगी कि मेरे भाव विचार भी उस तरह से इन लाइन होते चले जाएंगे। यही मेरी जो आवश्यकता है निरंतर सुखी होने की, वो लक्ष्य और मुझे बढ़ाएगी। सही भाव कभी कभी ही हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, ये कभी कभी इसलिए है क्योंकि वो समझ नहीं बनी, तो सही समझ ही आधार है जो दिखता है, जैसे कि ताश के पत्तों के जो जैसे जमा दिया जाता है, तो ऐसे अपने विचारों को ठीक ठीक कर लेना ना, सही भाव को अपने आप में सुनिश्चित कर लेना समय के लिए ना। अब बस एक फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एकदम से जोर से बोल दिया, ऐसे कोई इवेंट होता है ऐसे ना, ताश के पत्तों के जैसे कई बार ना ऐसे ढेर हो जाती है, ऐसे लगता है एकदम रिएक्शन लगता है, तो दिखता है कि मेरी आवश्यकता मेरे द्वारा पूरी होनी है,
ना किसी और इवेंट कोई व्यक्ति से भाव पाकर नहीं होगी। किसी ने जैसे कोई इवेंट हुआ, वही मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये सब्जी बनानी है, तो मैं देखती हूँ ये क्या है, मतलब इतना लेट हो चुका है, कौन इसको बनाएगा, मैं तो इतना पूरे दिन थक गई। ये लगता है कि सही में बस मेरा मेरा मन नहीं है। देखती हूँ मैं अगर उनको खानी है, वैसे तो रोज कभी ऐसे कहते नहीं है, ध्यान रखते हैं वो ये कुछ भी अपने कोई डिमांड्स पूरे टाइम ना रखें, तो कभी ऐसा मन हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, बना दी मैंने। और मैं देखा कि बनाई, खाना भी खाया सभी ने और अच्छा भी लगा, तो फिर लगता है वही ना, हम भी सुखी होते हैं और अगला भी। तो कई छोटी छोटी चीजें जो जीवन में होती रहती है, तो उसके लिए कई बार मैं रुक पाती हूँ, अपने भाव विचारों को देख पाती हूँ, और कई भी नहीं भी हो पाता। जैसे भैया ने साइंस ऑफ बिहेवियर के ऊपर बात की, हाउ टू इंश्योर जस्टिस, न्याय कैसे सुनिश्चित करें, मतलब जैसा भी अगला व्यक्ति का जो भी व्यवहार है, जैसा भी व्यवहार कर रहा है तो मेरा संबंधी, जब तक संबंध नहीं दिखेगा तब तक मैं अगले की चाहना सही है, अगला मेरे जैसा ही है, योग्यता की कमी है, उसकी कमी है, मेरी भी तो है, ये देख सही सही मूल्यांकन करना, संबंध को देख पाना। तो जैसे जैसे न्याय मुझमें स्थापित होगा, वैसे वैसे संबंध के भाव परिमार्जित होंगे। ये बात ध्यान रखती है, मूल्य स्थापित होंगे तो न्याय धर्म सत्य के साथ ही। तो एक वर्कशॉप में जैसे कोई मैंने कोई सार्थक बात करी, या किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ मैं, सार्थक बात करी, मगर अगले को समझ नहीं आई, अभी विरोध का भाव दिख रहा है अगले में, मुझे लग रहा है कि अगले में विरोध है, मैंने मान लिया। हो सकता है वो तो जानना ही चाह रहा है, अभी उसकी जितनी समझ है ना, तो अगर कोई बात कही है तो अगला एक्सप्लोर करेगा तो उसको वो देख पाएगा, तो वो फिर उस बात इस प्रपोजल को अपने आप में जीकर देखेगा तो सुखी होगा, और फिर उसे समय लगाना होगा, समय लगाएगा है ना, तो सुखी होगा। तो ये न्याय है ना, प्रमाणित होगा, समय लग रहा है, लंबी यात्रा तो है ही, मुझे भी काफी समय लगाना है, जितना जितना मैंने कुछ समझने का प्रयास किया है उसे व्यक्त करना शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ, अभी पूरी समझ नहीं हो पाई है, जितना जितना देख पा रहे हैं, जितनी जितनी समझ बनी है उतनी बात रखने का प्रयास परिवार में कर पा रही। प्रकृति को देखने जाएं तो जैसे भैया ने साइंस ऑफ वर्क, हाउ टू इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट के ऊपर बात रखी, भैया और दीदी को दोनों समय अंग्रेजी में हिंदी में सुनते हुए भी कई बार बात को अंग्रेजी में ऐसे ऐसे समझ में नहीं आती, तो हिंदी में बात सही सही से अपने में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा है तो उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाते। तो जब जैसे देखा कि उसमें सुविधा जो मेरे पास है वो मेरे नर्चर प्रोटेक्शन राइट यूटिलाइजेशन के अलावा है क्या, ये ध्यान देना, कोई बात मेरे घर में कि क्या कुछ है उस पर ध्यान देना, इसका असाइनमेंट था। और क्यों खरीदना है कोई चीज, क्या रिपेयर नहीं हो सकती, जैसे कि कल मतलब लास्ट वीक ही ऐसा हुआ कि मिक्सी खराब हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कितनी पुरानी मिक्सी है, 15 साल पुरानी है, क्या करना है, कितनी बार सही कराएंगे हम, ऐसे बहुत बार तो सही नहीं कराई, शायद अगले पिछले साल ही सही कराई होगी। तो कर सकते हैं, प्रकृति से मेरा संबंध जब दिखता है मुझे तो लगता है कि क्यों ले खरीदना है, क्योंकि दोहन हम प्रकृति का कर रहे हैं, ये जो रिलेशन है उसको देख पाना, तो सही करके ठीक हो भी गई और वो उसमें कुछ हुआ भी नहीं था, जरा सा कुछ एक पार्ट खराब था, 2 मिनट में सही होके आ भी गई और उसे आराम से हम यूज कर ही सकते हैं, तो ये देख पा रहा है। सुविधा मेरे शरीर के लिए है, नर्चर प्रोटेक्शन राइट यूटिलाइजेशन हेतु, अब थोड़ा और ध्यान जा पा रहा है कि अन्यथा व्यक्ति वस्तु क्या है मेरे घर में, वो ना समय भी बिता रहा है, जैसे भैया कह रहे थे टोकरी लेकर हम चल रहे हैं, उस टोकरी को संभालना भी है, बोझ लेकर हम हमारे सर पर हम चल रहे हैं। और ये जरूर है कि जैसे जैसे इस बात को और गहराई से देख पाते हैं तो दिखता है कि बहुत है, समृद्धि का जो भाव है वो अपने आप में मैं और अच्छी तरह से देख पा रही हूँ इस सत्र के बाद। अब जैसे कि घर में भी, जैसे मेरे फादर नहीं रहे तो प्रॉपर्टी है तो मेरे सिस्टर को, हम जिसके पास घर नहीं तो मैं मेरे ब्रदर ने मिलकर उसको एक फ्लैट जो है वो करके दिया। लोगों कहना है कि नहीं तो सब में बटना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत है हमारे,
इसके लिए सेकंड थॉट भी नहीं आया, किसी और ने बताया कि ऐसा है, तुम्हें क्यों जरूरी है, उसके पास अगर नहीं है तो हम लोग दे ही सकते हैं, तो लाइक वेरी वेरी नेचुरली इट केम अलोंग। मैं केंद्र में हूँ, शरीर केवल साधन है, जो भी कार्य कर रही हूँ मैं का विकास हो पा रहा है क्या, है ना? 24 आवर्स में कितना समय मैं सुविधा के अर्थ में ये दे रही हूँ, थोड़ा रुक के विचार करती हूँ और लगता है कि बहुत सारा समय इसी में जा रहा है कि समृद्धि है, बहुत कुछ है, फिर इसमें क्यों जा रहा है, फिर भी क्यों उसको समेट नहीं पा रही हूँ, पर समय लग रहा है। मानव निरंतर सुखी होना चाहता है और ये समृद्धि का भाव एक उसका भाग है। समृद्धि मतलब सुविधा मेरा लक्ष्य नहीं, समृद्धि का भाव और प्रगाढ़ हुआ है, मुझे लगता है इन चार महीने में काफी कुछ एक्सप्लोर करते करते। वैसे प्रकृति पर ध्यान मैं पहले भी मेरा था, जैसे कनेक्ट फील करती थी मैं, मगर मैं ज्यादातर देखती हूँ कि मैं उसके रूप पर ही ध्यान था मेरा, अब उसके ऊपर किस तरह से रिलेटेड मैं फील करती हूँ उसको और क्लैरिटीज देखता हूँ। अस्तित्व था, है और रहेगा, इकाइयां शून्य में बनी हुई है, मुझे सिर्फ समझना है, व्यवस्था है ही, पूरकता है ही, बस मुझे दिख जाए। जब जब ये नहीं दिखता तब मैं आराम में नहीं होती, ये दिखता। जैसे भैया ने कहा कि अस्तित्व व्यवस्था का प्रकटन है, ये जो सब व्यवस्था है ना उसका प्रकटन है, देख नहीं पा रहे हैं इसलिए परेशान है। मेरी आवश्यकता है मुझे ही पूरी करनी होगी, ये जो मेरी आवश्यकता है निरंतर सुखी होने की, मुझ में ही पूरी होनी है, बस मुझे सजग होना है। ये सजग होने मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं बहुत व्यस्त है, इसके लिए समय नहीं निकाल पा रही, मेरे लिए भी, मैं सुनते भी हैं दूसरों से और अपने लिए भी, हम मुंबई में रहते हुए तो पूरे टाइम यही सुनते हैं, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, ये नहीं देख पा रहे, तो लगता है कि नहीं ये बहुत जरूरी है, मेरी आवश्यकता है, मुझे ही पूरी करनी है और मुझ में ही पूरी होनी है, बस मुझे ये सजगता को बढ़ाना होगा। हाँ मैं कार्य कुछ करती रह सकती हूँ, मगर ये सजगता तो कॉन्स्टेंट रह सकती है मेरे साथ, तो इसी के तरफ एफर्ट करना है मुझे। तो जैसे के वर्ड से याद आते हैं मुझे कि व्यस्त है, व्यस्त व्यस्त है, अभी प्रायोरिटी नहीं बनी है इसलिए दूसरे कार्यक्रमों में ना समय जा रहा है। अगर मुझे दिख जाए कि यही प्रोग्राम है ना, अभी तो ये दिख रहा है कि ये भी प्रोग्राम है, तो ये भी से यही तक की यात्रा अभी थोड़ी लंबी दिख रही है, इधर प्रयास चल रहा है भैया। मानवीय मूल्यों के ऊपर भी ना मानवीय आचरण बर्बाद करी भी है, बहुत सारी ध्यान जा रहा है इसको जीवन में से, जैसे वैल्यूज की बात की तो करना क्या है, व्हाट, एंड पॉलिसी की नीति की बात की तो कैसे, हाउ टू। तो देखिए तो एक घंटा ज्ञान के लिए लगाना है, तो समय निकाल के बैठना है, देखें तो वीक में मैंने 3 बार वॉक करके कॉलेज जाना इस तरीके का, काफी 2021 से अपना एक संकल्प किया तो मैं कर पा रही हूँ उसको, और बहुत अच्छा भी लग रहा है बच्चों के साथ ना कॉलेज में, न्याय सुनिश्चित हो पा रहा है, न्याय के अर्थ में है कि नहीं ध्यान जा रहा। कल ही एक बच्चे ने रिमाइंडर्स के बाद भी इतना प्रोजेक्ट लेट सबमिट किया, एकदम से लेट कॉल आया कि मैम अभी बंद कर फाइनल कर दीजिए, तो मेरे को प्रिंट करने के लिए ना मैं शॉप पर खड़ा हूँ, ऑब्जर्विंग कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। फिर उस बच्चे से शांति से आराम से बात किया, अभी तक किस बात कर रही हूँ, थोड़ा सा समय से कर लिया करो काम, पर आराम से बात किया, एंड ही वॉज वेरी सॉरी ऑन द अदर एंड, बट मुझे मालूम है कई बार ऐसे अभी नहीं करता वो काम, मगर हाँ ठीक है उसकी योग्यता है कम, है ना, तो मुझे उसको की हेल्प ही करनी होगी। मैं अपने बच्चों को ही देखूं, वैसे मैं दूसरे को देखूं,
पुराने एक्ट्स को लेकर आई शुड नॉट बी एक्टिंग नाउ, व्हाट इज राइट नाउ आई शुड बी, उस तरह से मैं उस व्यक्ति से बात करती हूँ। सिर्फ अपने ही बच्चे को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए जो थकते रहते हैं, अगर कितनी बात कह पाते हैं, नहीं बात कहें और वो चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उनकी मदद करें। मगर जहां तक है अपनी एनर्जी, मुझे लगता है घर में ही ना एनर्जी को वो करने की बजाय बात कर सकते हैं ना बच्चों से बाहर भी, जहाँ भी हम सार्थक इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। मेरे को लगता है जैसे कि जैसे कर नेबर्स हैं, उनके मेरे आए घर पर, तो मतलब बाहर ही थे, मतलब हस्बैंड और वो दोनों आए थे और बाहर वो जा रहे थे लिफ्ट के लिए, वेट कर रहे थे, बड़े परेशान थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जरा इनसे बात करो, ये बहुत परेशान है बच्चे को लेकर। तो मैंने ऐसे कहा क्या बात है, तो कहने नहीं भाभी कुछ काम नहीं करता, ये बच्चा बिल्कुल फेल हो गया, बताइए चार चार सब्जेक्ट्स में और क्या होगा, क्या कोई कहेगा ना मेरे को। तो बस तो कुछ बस खड़े खड़े ही 2-3 मिनट बात करी, तो ऐसे बड़े आराम में आ गए और बड़े धन्यवाद करते हुए बोले कि नहीं नहीं मैं अपनी मेरी वाइफ को और अपने बच्चे को जरूर आपके पास भेजूंगा, आप मेरे बात कीजिएगा। मैं हाँ बिल्कुल, और वो आए भी और उनसे बात की। तो ऐसे बहुत लगा कि किसी को तो आराम पहुंचा, तो हम लोग डायलॉग कर सकते हैं क्योंकि, और किसी को कुछ एक दिशा भी ना दिखा सकते हैं, वो भी आराम में आ सकता है, तो वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुझे लगता है। और अभ्यास एक दो को लेकर अगर जो बात कहें तो ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ रहा है कि मैं देख पाऊँ कि क्या भाव चल रहा है मुझ में बगैर रिएक्शन करे। इसके लिए मुझे लगता है मेरे को और ज्यादा मतलब थोड़ा एफर्ट करना होगा, जो कि मेरी तरफ से मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं हूँ और मुझे और ज्यादा एफर्ट करना होगा। मैं ये जरूर है कि जब क्योंकि यशवी की एक्टिविटीज से कॉन्स्टेंटली थोड़ा जुड़े रहने से क्या पूरे समय ध्यान मतलब बना रहता है, जब जब ध्यान हटता है नजर आता है और क्या भाव चल रहा है उसको और पहले से बेहतर देखने का हो पा रहा है, क्या ये भाव सही है, सहज है कि नहीं। गहरे गहरे विरोध के भाव तो कई बार ना दिख जाते हैं, जो सूक्ष्म भाव है वो उनको देखने का प्रयास करना हो ना, इसका कॉल आ गया, क्यों आया, भी छुट्टी का दिन है ना, एक सेकंड के लिए वो विचार दिखा, फिर कहा क्या ये भाव सही है, ये सच सही नहीं है, तो अपने आप में संबंध के भाव को सुनिश्चित करते हुए बात की और देखा तो ऐसे कोई बात ही नहीं थी। और अगर मैंने उस बात नहीं की होती कॉल कर, तो जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी अगले व्यक्ति के साथ बात की होती, उस दौरान जितनी जितनी बार ध्यान गया होता उतनी उतनी बार मुझे वो दुख जो है उसका एहसास हुआ होता इस विरोध के भाव के साथ, क्योंकि इस भाव के साथ मैं आराम में नहीं, इस भाव को लेकर मैं आराम में हूँ, दिखता है आराम में नहीं है ना, और कौन डिसाइड कर रहा है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल ना, और मेरे सुख दुख के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही तो निर्णय ले रही हूँ, कोई और निर्णय नहीं ले रहा मेरे। और आधार क्या है इस पर्टिकुलर बात को मेरे में चलाने का, समझ है या मान्यता है, लेकिन क्योंकि कई बार मान्यताओं से ही प्रेरित हो रही होती है कि परेशानी करना चाहते हैं ना, इनको सेंस ही नहीं होता किस वक्त कॉल करना है, ऐसे ये लोग ऐसे ही होते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट। इसलिए मतलब समझना होगा एंड और क्या समझना होगा, यही संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को समझना होगा और एक्सप्लोर करते रहना होगा निरंतर, और बात को समग्रता से पूरी तरीके से जब तक नहीं समझ में आएगी, जब तक कॉन्स्टेंट निरंतर सही समझ अपने आप में बन पाएगी, सही भाव अपने आप में सुनिश्चित हो पाएगा, ऐसा मेरा काम उस तरफ करना है। अगले ने बस जरा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के ही बात करनी होगी वरना समझ में नहीं आएगा, ऐसी मान्यताएं बीच बीच में दिख पाती हूँ। तो ये जरूर दिख रहा है कि जब जब मुझमें जब भी मुझमें समग्रता से समझ में आएगी ये बात ना, यही आधार है अपने आप में हर पल हर क्षण सुखी होने की। अभ्यास 2 में देखें तो मैं और मैं हूँ, शरीर भी है, शून्य में बना हुआ है,
ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये बात तो मैंने लॉजिकली थोड़ा समझ ली है। अभी अब सीधे सीधे इसको मैं देख पाऊँ, अभी ये योग्यता मुझ में नहीं है। यह जगत उन सभी सूचनाओं से बना है जो ये इंद्रियां, ये जो फिल्टर्स हैं मुझे प्रदान कर रही है, मुझे ये दिखता है, लगता है। मैं संवेदनाओं को हमेशा नहीं पढ़ती, लेकिन जब मुझमें मुझे ये महत्वपूर्ण लगती है तब मैं पढ़ती हूँ, तो मैं ही डिसाइड करती हूँ। हर पल हर संवेदना जो हर कोशिका से आ रही है, मगर मैं पढ़ नहीं रही हूँ। संवेदना और मेरे बीच में दूरी है, मैं संवेदना नहीं हूँ, ये तो मुझे सही लगती है बात बिल्कुल, क्योंकि जब चाहूँ तो पढ़ती हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ती। इस तरीके से लॉजिकली मैं इन संवेदनाओं को लेने के लिए मजबूर नहीं हूँ, जब मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ तो उसको सुनती हूँ। मैंने देखा कि मैंने इस टाइम में एक मंदिर पर दर्शन करने जाना था परिवार के साथ, तो 20 किलोमीटर का एलिवेशन पर मंदिर है, तो मैंने देखा कि मैं चल पाई। देखो मन बनाया मैंने तो मैं चल पाई, वरना 1 किलोमीटर भी चलना, 2 किलोमीटर भी चलना सकता मुश्किल जान पड़ता है। मुझे लगता है कि ये जो बॉडी है, हाँ ये लिमिटेड मतलब इसका क्रियाएं लिमिटेड ही है, मगर इसकी भी क्रियाओं को उसकी फुल पोटेंशियल, मतलब इसकी जो इसका जो पोटेंशियल है बॉडी का, कितना काम कर सकती हूँ मैं, उसको भी मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाती, क्योंकि वो विरोध का भाव जब होता है तो यूं ही अपने आप को थकाती रहती हूँ, और उसके कारण शरीर भी थक जाता है। तो जब मन बन जाता है तो कैसे इतना डिफिकल्ट तो काम नहीं कर पाती। ये ध्यान में आए, शरीर का होना शून्य में कैसा में बना हुआ है, मैं शून्य को देख पाऊँ सीधे सीधे इस तरह से, ये तो एक कॉन्सेप्ट है मेरे को भी एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे भी योग्यता मेरी ऐसी बनी नहीं कि मैं इसको देख पाऊँ। तो 4 महीनों में बहुत सुंदर प्रपोजल्स को सुनने का मौका मिला, स्वयं में गति करते हुए अनुभव तक पहुंचना है, ये बात की निष्ठा बन रही है। तो आचरण निश्चित होना मतलब भाव की निश्चितता होना, इस पर ध्यान जा रहा है। परस्परता में गति करते हुए सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा की ओर काम करना है, हाँ पहुंचना है। मौलिक बात है मानव की मूल चाहना निरंतर सुख पूर्वक जीने की है, जो ज्ञान और समाधान से पूरी होगी। तो समाधानित होना है, यही है मूल बात। तो जैसे जैसे मैं मुझे लगता है कि मैं कुछ कुछ गति कर रही हूँ, जैसे वैसे कुछ बाहर भी व्यवहार में भी इसे फैलना हो रहा है, और काफी कुछ वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज जैसे तो वहाँ वीडियो एडिटिंग है, न्यूज़लेटर है, डिफरेंट रीजन में कुछ रीजनल कोऑर्डिनेशन का काम मैं कर रही हूँ, और जिन इन सभी कार्यों से जुड़े जुड़े मेरे मेरा ध्यान बना रहता है प्रपोजल्स के प्रति। तो ऑनलाइन फेस टू फेस वर्कशॉप्स में भागीदारी करने का प्रयास कर रही हूँ, और शेयर करते करते मेरे को लगता है कि मेरी भी कुछ गति बन पा रही है। मैं सभी को एक्सप्लोरर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और मेरे मेंटर्स जिनके लिए मैं सदैव कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने सब बातों की क्लैरिटी दी, और दीदी और भैया जो अपना समय 2 2 घंटे का हर दिन निकाल पाते हैं, उनको देखकर लगता है कि मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। उनके कारण सुबह सुबह इन प्रस्तावों को सुनते हुए पूरा दिन इन इन प्रस्तावों के बैकड्रॉप में रहते हुए ध्यान बना रहता है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। दीदी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। कुछ बातें जो दिखाई दी हैं दीदी की अभी तक की गति और भागीदारी से, तो कम समय में ही दीदी ने बहुत अच्छी गति की है। प्रस्ताव से परिचित होने के बाद उन्होंने मन बना लिया कि मुझे इस काम को ठीक से करना है, और ये भी दिखता है कि धीरे धीरे अपनी भागीदारी को और बढ़ाती जा रही है। जो भी काम दीदी लेती हैं उसको तो बहुत निष्ठा पूर्वक करती हैं, और उसको तो तोड़ कर और कैसे बेहतर ढंग से करें उसके लिए समझने और सीखने दोनों काम को करती रहती हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग का एक काम था, तो उन्होंने खुद से ही सॉफ्टवेयर पे काम करना, उसको भी और बेहतर ढंग से कैसे करें उसके लिए सीखते रहना, नई नई चीजों पर ध्यान देना, तो करती रही है। ये एक बहुत अच्छा गुण है। हम समाज में जो भागीदारी कर रहे हैं उसको भी हम
इस विधि से करें ताकि समय के साथ वो और बेहतर कर जाए। और जिस तरह से आप परिवार में, अपने व्यवसाय में और भागीदारी में एक साथ निर्वाह कर पा रही, वो भी टीम के लिए प्रेरणादायी, बहुत अच्छे ढंग से आप गति कर रही। एक और अच्छी बात दिखाई दी है कि आप में कभी ऐसा नहीं लगा कोई काम करते हुए अहमता का भाव आ गया, या अपने को स्लैश करने के लिए, अपने को सामने रखने का कोई विचार रखकर कोई काम किया जा रहा है, बल्कि हर काम को एक सहजता के साथ, सरलता के साथ करने का भाव रहता है। कई बार ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए दीदी के अंदर, मतलब कैसा भाव रहता है कि अधिमूल्यन न कर बैठे अपने, तो इसलिए थोड़ा अवमूल्यन पे चली जाती है। तो ये काफी अच्छी बात है कि ना एक सहजता के साथ अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, परस्परता में भी काम कर रहे हैं, एक एक करके नई नई जिम्मेदारियां स्वीकारते जा रहे हैं। हम सब लोग भागीदारी से शुरू करते हैं और फिर जिम्मेदारियों को लेने लगते हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने ठीक से ले ली है अपने ऊपर। मुझे लगता है कि जो ऑब्जर्वेशन होना है उसमें गतिविधि कर रही है, बट उसको और थोड़ा बारीकी से कर सकती है, अभ्यास एक और दो में। तो आज जो शेयरिंग रही उसमें एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे बहुत सारा शेयरिंग रहा। अब एक माइनसनेस के साथ भाव के स्तर पर हम कैसे उसका मूल्यांकन करके उसमें परिमार्जन के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर उसको भी रखा जाए तो बाकी सब लोग के लिए भी उसमें एक दिशा मिलेगी, एक अच्छी बात रहेगी। और जिस तरह का संस्कार रहा है और उसे जिस तरह से अभी गति कर रही है, उसका गति से सदुपयोग करें तो आगे के लिए बहुत अच्छी संभावना है शिक्षा में, क्योंकि जिस व्यवसाय में है उसमें बहुत सारी कलाएं आपने सीखी हुई, हुनर सीखे हुए, उनका अच्छे सदुपयोग कर सकते हैं। और अभी हमें जिस तरह शिक्षा में काम करना है, हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने हैं प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, है ना, फिर उसको व्यवस्था के दूसरे आयाम में भी ले जाना है, हमें लोगों से संवाद करना है, उनके लिए बहुत सारे मटेरियल डेवलप करना है ताकि हमारी बात और जो कार्यक्रम से उपकार हो रहा है समाज में वो पहुँच पाए, उसमें भी भागीदारी हो सकती है। मुझे लगता है कि जो सेल्फ एंड बॉडी की क्लैरिटी होनी है उस पर थोड़ा सा और बारीकी से काम किया जाए तो और उसमें स्थिरता आ जाएगी, और इसके ध्यान देने में सबसे समय लगता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, कम समय में बहुत अच्छी गति दिखाई दे रही है और आगे के लिए बहुत अच्छी संभावना है। तो मेरी तरफ से बहुत सारे बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।